देखिए इंग्लिश में एक शब्द है आपका हैंडल, HANDLE, हैंडल। तो इसलिए हमें हैंडल को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ मतलब होता है दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है हैंडल का। देखिए हैंडल जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह प्रयोग होता है। अगर हम वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे तो हैंडल जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आएगा इसका, हैंडल्ड, HANDLED, हैंडल्ड। तो क्या मतलब होता है हैंडल का? देखिए अगर हम वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे हैंडल को तो बोलेंगे संभालना, नियंत्रण करना, पकड़ना। और अगर नाउन की तरह प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे कि कोई दस्ता या हत्था जो किसी औजार या अन्य वस्तु से जुड़ा होता है जो पकड़ने के काम में आता है उसको हम हैंडल बोलते हैं। इंग्लिश में हैंडल के सिनोनिम्स आते हैं होल्ड, पिकअप, ग्रेस्प, ग्रिप, लिफ्ट, कंट्रोल, मैनेज, मैनिपुलेट, डील विथ, टैकल एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हैंडल के। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि शी हैज लर्न्ड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, मतलब उसने सीख ली है या सीख लिया है कि स्थिति को कैसे संभालना है। तो हैंडल का मतलब संभालना। दूसरा एग्जाम्पल है कि हैंडल द ग्लास केयरफुली और इट विल ब्रेक, मतलब कांच को, ग्लास को सावधानी पूर्वक संभालो नहीं तो यह टूट जाएगा। तो केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक, सावधानी से। ठीक है, तो मैंने आपने हैंडल शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एजुकेयर डेस्क।